खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर के आज हम फिर आए हैं आम जनता के बीच, और उससे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से उसकी सुनवाई ना होने से हताश पीड़ित पहुंचे हैं सीएम योगी जनता दरबार, और आखिरकार क्या वजह रही, क्या है पूरा मामला। माता जी, क्या समस्या है आपकी? ये समस्या है कि वो लोग ने कब्जा कर लो है। कौन लोग हैं? मई के हैं, लोनी के। अच्छा, जिले से आए? वहीं से आए। अच्छा, अब वो हम जामे ना तो वो मानने को कट्टा बोले लेके भगते हैं, सन देते नहीं है। पुलिस और जो है अन्य अधिकारी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कुछ भी ना सुनवाई कर रहे, कुछ भी नहीं ना। तो आज क्या गुहार लगाएंगे? हाँ, आज सीएम से क्या कहने आएंगे? ऐसे ही कहेंगे कि बहुत दिन आएंगे, हमें हमारा कब्जा मिल जाना चाहिए, हम विधवा हैं। अब वो लोग नहीं हमारे वापस लौट के गए, लड़ाई लड़ते हैं, मारने को भागे, जान से मारने की धमकी दे। हाँ हाँ, धमकी दे। मान पुलिस ने कोई शिकायत नहीं दर्ज? कुछ भी ना करी कार्रवाई। जाती थाने क्या होता है? बुतेरे जावे बस, वो जनका लिख के दे दे बस छुट्टी, फिर ना सुनाई कुछ भी। अच्छा दादा, क्या समस्या ले? समस्या सर, सरकारी जमीन है और 1,80,00,000 रुपए की गवर्नमेंट का जगह हाईवे पर है, और रविंद्र कुमार पांडे उर्व शिव सेवक पांडे जो उसको कब्जा किए हैं, और हमारा रास्ता 650 नंबर अराजी नंबर 650 है, उसको हमारे घर के जहां घर हमारा है उसी के किनारे पर उसको आधा घेर दिए हैं, 10 फुट के रास्ता में 61 इंची घेर दिए हैं, और 49 इंची से हम लोग आ रहे हैं ना, चार चक्का। जिले से आए हम? वाराणसी जिले से आए। तो आपके जो जिले के संबंधित आला अधिकारी हैं वो सुनवाई नहीं कर रहे? नहीं नहीं, वो तो तहसीलदार और जो है लेखपाल और नायब तहसीलदार और सब कोई सुनवाई नहीं करा। 2-3 साल हो गया मुझको धक्का खाते हुए, और उसमें समझ लीजिए कि ये है, इसमें नोटिस निकल गई है, दिखाते हैं आपको, इसमें ये नोटिस निकली हुई है, ये इसमें सरकारी जगह में नोटिस निकली है 27/7/2023 के, किस 3 दिन के अंदर इस पर गिराया जाएगा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि बुलडोज़र चलने का आदेश हो गया लेकिन नहीं नहीं, इस पर चप्पा उन्हीं का किया होगा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनको वहाँ पैसे मिल गए और वो शांत हो गए लोग, बस यही बात। दादा क्या समस्या? हमारी ज़मीन गई थी नोएडा में, अथॉरिटी ने खरीदी थी, उसका किसान कोटा का प्लॉट जो है वो 5 चीटर है हमारे गांव के, मोरना गांव के, तो उन चीटरों ने अपने अपनी बहन के नाम करा दिए, मेरी माँ बन के, मेरी माँ का प्लॉट था वो, मेरी माँ, मेरी 76 साल उम्र है और माँ की उम्र है 30 साल, जो फर्जी माँ बनाई उसके नाम करा दी, वो तो कैंसिल करा दी, लेकिन वो प्लॉट मेरे नाम नहीं हो रहा। मैं अधिकारियों के पास जा रहा हूँ सबूत ले लेकर, 2 साल हो गए मुझे परेशान करते करते, वो अधिकारी मेरे नाम नहीं कर रहे उस किसान कोटा के प्लॉट को, जो कि मैं मूल मालिक हूँ उसका प्लॉट का, तो मैं अपने नाम कराना चाहता हूँ बस, ये और कोई समस्या नहीं है। किस जिले से आए आप? नोएडा से। अच्छा, वहाँ यानी कि सीएम योगी सरकार से आपकी यही गुहार है मेरी, एक मेरा प्लॉट मेरे नाम हो जाए बस, किसान कोटा का प्लॉट है, सरकारी प्लॉट जो किसान कोटा को किसान को मिलता है प्लॉट, वो मुझे ना मिल के, मतलब मेरी माँ का प्लॉट था, मेरी माँ तो खत्म होगी, तो फर्जी माँ बन गई एक 30 साल की लड़की, मेरी 76 साल उम्र है, 76 साल की, मतलब 30 साल की लड़की 76 साल के बुजुर्ग की माँ हो सकती है? ऐसी इतनी फ्रॉड करवाई चिटरों ने, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा टाइट कर दे अथॉरिटी वालों को, मेरा प्लॉट मुझे मिल जाए, जिसने मेरे साथ में हेरा फेरी करी है, 2 साल से परेशान करे हूँ मैं, उसको जेल हो जानी चाहिए, बस मैं ये मेरी ये विनती है। तो आप देख रहे हैं ये 76 वर्षीय वृद्ध हैं जिनके ज़मीन को हड़पने के लिए एक 30 वर्षीय लड़की इनकी माँ बन बैठी है, और जहाँ पर क्या मैडम समस्या लेके आई? मैडम वो भैया हम आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने, शिवपाल अखिलेश यादव की सरकार थी, शिवपाल यादव को मैंने दिया था अपना प्रार्थना पत्र, आज मैं 6-7-8 साल से परेशान हूँ, तहसील जाती हूँ, नए डीएम सुनते हैं, डीएम को भी मैंने दिया,
और वहाँ के लेखपाल कानून गो को भी मैंने वो किया। वहाँ जाती हूँ तो मेरा ना नाप कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। एस के मिश्रा जिनका मलेनियम स्कूल के वो मालिक हैं और वो मेरी ज़मीन लेके बैठे हैं। 233 गाटा 275 मेरे ससुर मिलिट्री में थे। अगर एक फौजी मिलिट्री में चला जाता है बहुत आता है 15 दिन की छुट्टी, बहुत हद से हद एक महीना की। उसके बाद वो फिर बॉर्डर पे चला गया और यहाँ घर आके जब देखा 16 साल बाद तो उसकी पूरी ज़मीन भूमाफियाओं ने ले लिया और उनकी बड़ी वाली बेटी का मर्डर हो गया। शोभा दुबे करनलगंज जिनका जो है ससुराल था उनको जेठौट ने मार डाला। उनका धीरे धीरे परिवार, छोटी बेटी थी वो डिस्टर्ब हो गई, आज तक पता नहीं चला कहाँ चली गई। एक बेटा है उनका और वो भी डरता है भूमाफियों से। तो कितना यानी कि समय हो गया आपकी जमीन का? 10 साल हो गया। मैं समझ लीजिए बिल्कुल से दौड़ रही हूँ हर जगह से, एसपी डीएम DIG सबको अप्लीकेशन दे डाला भैया, यहाँ तक कि अखिलेश यादव को भी दिया था, मुख्यमंत्री थे उस समय, और शिवपाल यादव को भी मैंने यहाँ से भेजा था, यहीं से गया था। जाएगा तो करछना जाएगा ना, तहसील ही जाएगा। यहाँ से योगी जी भी कह देंगे जाएगा वहाँ, वहाँ वाले करेंगे नहीं, हम फिर यहीं आएंगे प्रताड़ित होंगे। कब तक प्रताड़ित रहेंगे? जब एक फौजी की ज़मीन नहीं मिल रही तो फिर देश सेवा भी नहीं करनी चाहिए, बताइए आप। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं कि एक भारतीय सैनिक की जो जमीन है वो भी भूमाफिया कब्जा लगातार करे जा रहे हैं। क्या बाबूजी, ऐसा है कि 13/10/95 का मेरा कोर्ट से फैसला हुआ है, ACM अपर नगर मजिस्ट्रेट जो है वाराणसी का, 13/10/95 में मुझे जो है कि वो ज़मीन पर मिल गया है। बसरते रह गया कि उसकी जो है परवाना के लिए आज तलक ले मैं जो है कि करीब करीब 17-18 साल से परेशान हूँ, परवाना अभी जारी नहीं है। इस जिले से आए हुए हैं? हम बनारस जिले से आए हैं। अच्छा जी, तो क्या आज यानी कि गुहार लगाना चाह रहे हैं? गुहार लगाना चाहे कि ACM को अधिकारी बैठता ही नहीं, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से लापरवाही अधिकारी के चलते जो है यहाँ पर वृद्ध पीड़ित अपनी गुहार लगाने आए हैं। तारीख पे तारीख मिलती है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ तारीख पर तारीख लोगों को मिल रही है, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। क्या सर, हम बिल माफ़ी मांगने आए हैं, बिल माफ़ी के लिए बनारस से। बिल बिजली बिल के लिए, जो हमारे भाइयों ने बिजली हमारा नाम कर दिया था तो हमने भी कुछ दिन भाई हमारे भरे नहीं, हम भी भर नहीं पाए, हम जो दिव्यांग हैं हम इस बीच बिल माफ़ी के लिए आए। बिल है, बिल हमारा 42,000 है सर। अच्छा जी, तो यहाँ पर यानी कि जो संबंधित आपके अधिकारी क्या कहते हैं? सर अधिकारियों के पास जाता तो वो सुनते ही नहीं सर हमारा बात नहीं सुनते। नहीं जी, क्या है माता जी? सर मैं, हमारे पति 2010 से लापता हैं, विकलांग थे, हवा की शिकायत थे, वो लापता हो गए बिना बताए घर जो है। उसके बाद मेरी बेटी बीमार थी, गंभीर बीमारी से उसको BHU में भर्ती किए, बहुत जगह प्राइवेट दिखाए, मेरी बेटी बची नहीं। अच्छा, तो जो बिजली के बिल माफ़ी के लिए आप आई हैं, कितना बिल है आपका? इनके कहने का मतलब ये है ना, बतला दें हम कि इनके पल्ले 99,000 रुपया मतलब बिल बाकी है और उसी दरमियान इनका आदमी भाग गया पगला कर, आज तक पता नहीं चला। वही चिंता में इनकी जवान लड़की मर गई 20 साल की, उसकी नाम थी रोशनी भारती। उसके बाद यही कुल चलते चलते कुछ मतलब खोजाई उजाई हुआ नहीं हुआ, साल भर से इनका कुल अकाया बकाया लाइन फाइन कट गया है, अब बिल चपा हुआ है और फिर इनके दो लड़के TB से एकदम पीड़ित होकर घर में बैठे हुए हैं। इस स्थिति में इनको कुछ माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कुछ राहत मिल जाए तो इनका गरीबी दूर हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर जो पीड़ित आए लगातार मदद की गुहार भी लगा रहे हैं, क्या आप? भैया हमारा ये है कि इसमें हमने मुकदमा कायम कराया था, चौकी इंचार्ज ने जो है उसमें से धाराएं हटा दी और उसमें जो है FR लगा के जो है चार्जशीट दाखिल कर दिया, और जबकि ये मुकदमा हमारा लिखा हुआ है FIR में, इसमें से उसने सारी धाराएँ हटा के जो है एक नॉर्मली धारा लगा के जो है उसने वो कर दिया, चार्जशीट दाखिल कर दिया। अब हम वहाँ कई बार गए, अधिकारियों से मिले, वो कह रहे हैं भैया हम नहीं कर पाएंगे, वो जो जांच करते हैं वही कर सकते हैं, तो इसी के लिए हम आए हैं मुख्यमंत्री के पास जो है।
ये कौन आरोपी इसमें नामजद है? नामजद आरोपी ये आपके जो है प्रमोद कुमार पंडित हैं और सरिता पंडित हैं जो है। अच्छा जी, तो किस तरीके की जालसाजी आपके साथ हुई? जालसाजी इसमें हमारी जमीन थी जो है। अच्छा, तो उन लोगों ने किया क्या कि पन्नी उन्नी डाल के अपना कब्जा किया था पहले, तो उन लोगों को जब हमने हटाया तो नहीं माने, उसके बाद उसमें उन्होंने मकान बना लिया। मकान बना लिया तो हमने मुकदमा कायम कराया, मुकदमा ठीक लिखा गया, FIR की गई, ठीक लिखी गई, लेकिन चौकी इंचार्ज ने किया क्या कि उसने जो है पूरा धारा ही हटा दिया, धारा हटा के चार्ज। क्या है चौकी इंचार्ज का नाम? संदीप यादव। अच्छा, संदीप यादव। तो आप देख रहे हैं किस जिले का मामला? इलाहाबाद। नहीं नहीं, इलाहाबाद प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज का जो ये मामला है, किस तरीके से एक दर्ज मुकदमे में गंभीर धाराओं में उसको भी चौकी इंचार्ज के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या समस्या लेके? सर, हमारे लड़कों को, मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ और पुलिस दरोगा के लड़के, रिटायर पुलिस दरोगा के लड़के ने गोली मरवाई और गोली मरवाई, ये गोली हमारी मारी गई थी 23 जून को, और अभी तक जो दो मुसलमानों ने मारा था, मुसलमानों से मरवाई थी उसको, अपराधी मुख्य अपराधी को अभी तक पुलिस क्या एक होमगार्ड तक उसके घर नहीं गया है, क्योंकि वो दरोगा से रिटायर है, उसने थाना पूरा खरीद रखा है। मैं 4 बार SSP के पास कानपुर पेश हो चुका हूँ, विधायक महेश त्रिवेदी का लेटर पैड लिखा चुका हूँ, आज मैं इस दरबार पे आया हूँ, अगर यहाँ से नहीं सुनी जाएगी तो कहीं सुनी नहीं जाएगी, फिर मेरे को आत्महत्या ही करना पड़ेगा। एक पुलिस कर्मी के बच्चे और एक रिटायर फौजी के बच्चे को गोली मार रहे हैं, है? हमको तो फांसी पे लटक जाना चाहिए अगर हमारी नहीं सुनी गई। तो आप देख रहे हैं किस तरीके का गंभीर मामला यहाँ पर आया, हत्या का, और जो एक पुलिसकर्मी के बेटे ने, हाँ पुलिसकर्मी के बेटे, एक दरोगा के लड़के ने मारा है, एक दरोगा के लड़के ने गोली मार दिया एक पूर्व सैनिक के बेटे को, और जहाँ पर वो लगातार आला अधिकारियों से गुहार लगा रहा, आप देख रहे हैं किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और कहीं पुलिस जो है अनदेखी करती है ऐसे मामलों की भी, हत्या जैसे, जहां पर सारी यानी कि जो पुलिस विवेचना कर रही है वो क्या कर रही है? रवि दीक्षित है, वो विवेचना कर रहे हैं, हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ठीक है मैं जेल भेज रहा हूँ, इंस्पेक्टर सुन नहीं रहा है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। जब मैं 4 बार पेश हुआ हूँ, पहले इंस्पेक्टर बोल रहा था महेंद्र सिंह था, उसने बोला एप्लीकेशन चेंज कर दो, मोनू सिंह को निकाल दो, तब मैं FIR लिखूँगा। 23 तारीख की घटना है, 26 तारीख को हमारी FIR दर्ज की जा रही है, और जो गोली मारने वाले हैं जिनका CCTV में उनका फुटेज वगैरह है, उनमें से केवल एक को कट्टा लगा के उनको दामाद जैसे सेवा करके, क्योंकि पैसे का महत्व है, उनको केवल जेल भेज दिया, कोई पूछताछ नहीं। जो CCTV में 5-7 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं उनके तक नाम नहीं खोले हैं पुलिस ने अभी तक, क्यों कौन कौन व्यक्ति थे। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आपकी यही गुहार है कि अपराधियों को पकड़ कर दबोच कर जेल भेजा जाए। जी, मेरे पास एक वीडियो है, मैं वीडियो तक दे सकता हूँ। जी जी जी, हम दिखाएंगे, आप भेज दीजिएगा। मैं क्या समस्या ले रहा हूँ? नहीं सर, चक्रोट की समस्या है सर, 9 नंबर से दौड़ रहा हूँ मैं, और सारा अधिकार लेखपाल दे रखा तहसील वालों ने, मिट्टी पल गई, पेड़ चक्रोट में आ गए, विपक्षी ना पेड़ काटने को तैयार है, जो मनरेगा से मिट्टी पली उसको भी काट लिया उसने, और SDM को मैंने 15 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ मैं, कोई सुनवाई नहीं आज तक। तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वह कहीं देश की सेवा करने वाले सैनिकों की भूमि कब्जा कर रहे हैं, तो कहीं पर उनके परिवारजनों को मौत के घाट उतार कर अपराध का तांडव कर रहे हैं। आप बताइए क्या समस्या है? हमारा ये समस्या है, मैं अपने माँ बाप के अकेली हूँ, मेरा पिता बच्चे लड़का के लिए दूसरी औरत लाया, 4 जगह की छुट्टी लाया, मैं अपने माँ की अकेली हूँ ब्याहिता की, और मेरे घर परिवार के मुझे रहने का नहीं, घर खेत सब कब्जा कर लिया, मेरी कोई सुनवाई नहीं है सर, मैं यहाँ 2 बार आ चुकी जनता दरबार में सर, 2 बार आ चुकी, मेरी ना थाना ना कोई गांव, मेरा कुछ सुन नहीं रहा साहब, मैं अकेली अपने माँ बाप को, वो क्या चाहती हम अपने अपना हक चाहते हैं सर। अच्छा। मेरा हक जो माँ बाप का है वो हमको मिलना चाहिए, मैं ब्याहता का हूँ, वो दूसरी वाली के कोई संतान नहीं हुआ साहब, तो किसको जमीन साहब पूरा संपदा किसको जाएगी, मैं अपने बाप की अकेली हूँ ना,
यही मेरा निवेदन है सर कि मेरा अधिकार चाहिए, बस मेरा हक चाहिए, मेरा कोई सुनवाई नहीं। सर हमारे 2015 में सर हम हजबारी किए थे, गांव पे हमारे जमीन है 11 बिस्वा, उसकी पैमाइश कराए थे। पैमाइश कराने के बाद तिरपाराम मौर्या लेखपाल थे, वो 18 में पैमाइश करके पक्की खूटा गाड़ गए थे। अब संतोष तिवारी आए हैं, उसमें वहाँ पानी टंकी बनवा रहे हैं हमारे नंबर में, जो GS है सड़क के पूरब साइड में, उसमें नहीं बनवा रहे, पैसा पा गए हैं ठीक। और राकेश ओझा जो हैं उनके मुनीम हैं, वो पैसा लेकर पूरे मौजे में असूल के तिरपाराम मौर्या लेखपाल को दे रहे हैं संतोष तिवारी को, इसलिए उनके किसी को सुन नहीं रहे हैं वो। किस जिले से? श्रावस्ती। तो यानी कि पूरा आपका तहसील प्रशासन नहीं सुन रहा? SDM को अप्लीकेशन दिए हैं तो SDM कहे हैं जाओ हो जाएगा, अभी तक सुनवाई उस पर नहीं हुआ है। क्यों, हमारे जो नंबर है हम उसके कितने समय से दौड़ रहे हैं? हमारे 2015 से दौड़ रहे हैं, हमारा पैमाइश हो गया था, नंबर निकाल गया, पक्का खूटा गड़ गया था। खूटा गड़ने के बाद अब वो तिरपाराम मौर्या कह रहे हैं कि इसमें वो बनेगा, हमारे नंबर में टंकी बनेगा, और सड़क के पूरब साइड में जो GS है उसमें पैसा पा गए, उसको बनवा नहीं रहे हैं, उसमें उसकी मिट्टी निकल कर जाँच हुई थी, अब उसमें सागवान बैठाए हुए हैं विपक्षी, उसको उसमें बनवा नहीं रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश की आम जनता है, जिस तरीके से अपराधों की वारदात इन सभी के साथ में घटी, कहीं किसी का हक छीना गया तो कहीं किसी के बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया, तो कहीं आपको हम बता दें एक भारतीय सैनिक की ज़मीन भी कब्जा कर ली गई। जो भारतीय सैनिक देश की रक्षा करता है वह अपनी ही सुरक्षा उसकी दांव पर लगी हुई है। तो वहीं हम आपको बता दें जिस तरीके से जालसाजी से लेकर के जो अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार